अस्सलाम वालेकुम। तेरी तबीयत खराब जी, तू यहाँ क्यों आ गया? सीधा घर जाना था भाई। अबे यार, घर जाके भी क्या करता मैं? ये तुम खुद मुस्कुरा क्यों रहे हो भाई? बता नहीं रहे हो, जैन तेरी दुकान पर बैठने पर राजी हो गया? नहीं नहीं, यकीन कर लो, सच बोल रहा है ये। यार माशूक, ये बड़ा काम किया तुमने, है ना? यार तू भी सख्ती ना किया कर, बहुत अच्छा बच्चा है तेरा। बेटा अच्छा है, बाप टुनटुन गोपाल। मेरे अंदर ही बुराई निकालना। तो चाय पिलाओ, चाय। हाँ चाय भी मंगवा। किसको कहोगे? किसको कहोगे क्या? उस जैन को ही कहूंगा। तो फोन कर दूंगा। दिलनवाज, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तबाह कर दिया तुमने मुझे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बर्बाद कर दूंगी। दिलनवाज, दिलनवाज, कहाँ हो तुम? सामने आओ, सामने क्यों नहीं आती? दिलनवाज, सामने आओ ना। क्या हो गया आप लोगों को? मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? लेकिन ये काया पलटी कैसे? भाई माशूक अंकल ने समझाया। माशूक अंकल वाकई में बहुत अच्छे हैं। ऐसा करते हैं कि उनके यहाँ मिठाई लेकर चलते हैं। नहीं नहीं अम्मी, अभी नहीं, अभी उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, जरा अच्छा नहीं लगेगा। ठीक कह रहे हो बेटा, देखो ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी परेशानी के होते हुए भी दूसरों का कितना ख्याल रखते हैं। मैं काम करती हूँ, मिठाई लेकर आती हूँ, सही है? दिलनवाज, दिलनवाज, सामने क्यों जाती है? दिलनवाज, सामने आओ ना, मार दूंगा मैं तुम्हें। हाय मेरा सलीम, हाय मेरा सलीम, अरे अरे कहाँ है मेरा सलीम? क्या हुआ मेरे सलीम को? अम्मा, सलीम को किसी ने गोली मार दी। किसने? अम्मा अम्मा अम्मा, कुछ नहीं हुआ सलीम भाई को, बिल्कुल ठीक है वो। अरे किसने मारी गोली? वो पैसा फोन छीनने आए थे। अरे तो दे देना था ना। कितने आदमी थे? तो हाशिम जाके देखो सलीम कैसा। मैं अभी देखा। अरे शाजिया, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। जब से तू आई है ना, मेरा बेटा बर्बाद हो गया। ये कहाँ से काम हो गया? क्या कह रही है तू? गुलशन खुदा के लिए। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप संभाले अपने आप को। शाजिया भाभी का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये हादसे हमारे घर में क्यों होते हैं? क्यों होते हैं ये हादसे? मेरा सलीम जाके देखो कैसा है। अरे मुझे मिला दो उसे। गुलशन गुलशन गुलशन, खुदा के लिए संभाल अपने आप को। अभी भाई भाई कौन? कुछ नहीं होगा भाई को, भाई ठीक हो जाएंगे। खराब हाँ। इसको संभालो, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, ठीक है? कॉल करता हूँ मैं वहां से, इसका ख्याल रखो यार। बस अब जल्दी जाएं और मुझे बताएं। ठीक है, दरवाजा बंद कर लेना, मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। हाँ। बस सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। शाजिया,
ये क्या हुआ? हाँ सलीम को गोली मार दी किसी ने। अरे तुम्हें तो कुछ नहीं हो ना, तुम तो ठीक हो ना? अरे इसे क्या होगा, अंदर तो मेरा बेटा पड़ा है ना। हमने नहीं कहा था उसे, वो खुद आया था इसको लेने के लिए। अरे वो तो ना समझ है, ले आया उसे जाके। क्या हो गया तुझे? खुदा नहीं देख नहीं रहे कैसी बातें कर रही है लोग, वो भी मेरे बेटे के लिए। तुम अब तक यहाँ खड़ी हो? चलो चलो मेरे साथ। मामू सलीम अंदर है। अरे तुम समझ नहीं रही बात को, पुलिस केस बन जाएगा, तुम्हें थाने जाना पड़ जाएगा, चलो यहाँ से। देखा देखा कितने बेफैज लोग हैं, कैसी बातें कर रही है लोग। फवाद मुझे एक नजर देखने दो सलीम को। प्लीज हमें इन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना। अरे तो हमने भी कोई वास्ता नहीं रखना। चलो अरे क्या कर रही है गुलचले बेटा, अंदर पड़ा हुआ है बिस्तर पे। तो मैं क्या करूं, देख नहीं रहे कैसी कैसी आके बातें बना रहे मेरे बच्चे के लिए। एक तो मेरा बच्चा पड़ा हुआ है, ऊपर से इन लोगों को अपनी लगी हुई है। अरे माशू गली मेरे बच्चे का क्या हो? ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मंजिल बेनिशान जाए भी तो हम कहाँ, अब है चारों तरफ वीरानियां। सलीम मेरा बच्चा कैसा है तू? आया माँ सायों में, टेंशन ही लो। क्या हो गया शरारे? डॉक्टर कह रहे तू जल्द घर चला जाए। हाँ मालूम है। बेटा आइंदा अपनी जबान पे शाजिया का नाम मत लेना। मामा ये क्या बात हुई माँ, उसका क्या कसूर है? चली गई वो अपने मामू मुमानी के साथ। चल, चली गई? आराम कर, आराम कर। नहीं अम्मा मेरे को बताओ क्या हुआ, क्या? अरे कुछ नहीं बेटा, जब तू घर जाएगा ना तो फिर सारी बात करेंगे। अरे अब्बा आप अभी भूख? बेटा आज तूने दिल खुश कर दिया अपने अब्बा का। अब्बा बस मुझे माफ कर दें, मैं वाकई खुद घर से कभी आप लोगों के बारे में नहीं सोचा, बहन अम्मा किसी के बारे में नहीं सोचा। बेटा भुला दे पिछली बातों को, गलतियां सबसे होती हैं। अब्बा गलतियां भुलाने के लिए नहीं होती बल्कि याद रखने और उन्हें सुधारने के लिए होती है। ओहो अच्छा, चार दिन क्या माशूक भाई की सोबत में बैठ गए, बातें करना भी सीख गए? आप कहते हैं अब्बा सोहबत काउंट करती है। हाँ अल्लाह खुश रखे माशूक को, उसने मेरा बेटा जो है वो उसे समझा बुझा के मुझे लौटा दिया। अब कम से कम मैं तेरी बहन की शादी सुकून से कर सकूंगा बगैर किसी टेंशन के। करेंगे अब्बा इंशाल्लाह, मिलके करेंगे। अब आप आए, आपको मैं पानी पिलाऊं, इतनी धूप में ना निकला करें। अरे अम्मा बता रही थी कल भी आपकी तबीयत सही नहीं थी। अच्छा अच्छा, आराम किया करें, यहाँ पे बैठे। आपकी किसी के साथ दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं थी, ऐसे ही मोबाइल पैसे छीनने आए थे। आप अकेले थे? बताइए आप अकेले थे? हाँ। पार्क में अकेले क्या करने गए थे? मेरी बीवी थी मेरे साथ। मैं बीवी को लेने गया था तो हादसा हो गया। अच्छा अच्छा, उनका एड्रेस बताएं। उनका एड्रेस क्यों चाहिए, उसका क्या लेना देना केस से? भाई कागजी कार्रवाई तो करनी पड़ती है ना। अब वो इंस्पेक्टर साहब, वो सलीम भाई की भाभी से नाराजगी चल रही थी ना, उनको मनाने गए थे, ऐसे ही ना? भाई केस तो बनता है ना, किसी ने पीछे से हमला करके दुश्मनी निकाली है। तुम्हें किसने कहा था? हाँ किसने कहा था कि तुम सलीम के साथ जाओ? मैं नहीं जा रही थी मामू, वो मुझे जबरदस्ती ले गए थे। जबरदस्ती ले गए थे? पुलिस केस बन गया है। हमने थोड़ी गोली मारी है, इसमें मेरी बच्ची का क्या कसूर है? बाजी हमने नहीं मारी, ये साथ तो थी ना उसके। मेरा मकसद ये नहीं था कि ऐसा हो। अच्छा देखिए आप लोग परेशान ना हो, कोई मसला नहीं होगा।
नहीं छोड़ रहे। क्यों? कह रहे हैं कि दुश्मनी का केस है। अरे तो तुमने बात की होती ना, क्या ऐसी कोई बात नहीं है? अरे वो क्या बात करेगा, उसकी बात सुनेंगे वो? हेलो जी। हेलो, हाँ माशुक साहब, आपने हमारा एड्रेस क्यों दिया पुलिस वालों को? नहीं, हम एड्रेस क्यों देते, हमने तो नहीं दिया। बस अब सब कुछ खत्म, हमारा आपका कोई रिश्ता कोई नाता नहीं रहा। बुला के पेपर्स भिजवा रहा हूँ, उस पर साइन करवा दिएगा और हमारी जान छोड़ें। नहीं ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए, ऐसा ना कहिए। खुदा हाफिज। अरे आदाई, क्या कह रहा था? आदाई का बूंदा बहुत नाराज हो रहा था, बहुत गुस्से में था। कितने कम अकल लोग हैं, इतनी आम सी कार्रवाई थी। क्या बोल रहे थे वो? रिश्ता खत्म करने को कह रहे। इतनी मुश्किल से मना के लाया था और अब फिर उन लोगों ने अपनी जिद शुरू कर दी। चलो बेटा तू तो खा छोड़, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस वालों से जान कौन छुड़ाएगा, बार बार आके गेट पे खड़े हो जाते। मैं तो कहती हूँ कुछ दे दिला के खत्म करे बात को। नहीं अभी वो कुछ मांग नहीं रहे। तो फिर मसला क्या है? अरे शाजिया को बुलवाया है उन्होंने, उसको लेके जाना है। क्या मतलब है? आपने लोगों को बताया नहीं कि हमारे घर की औरतें नहीं चाहती पुलिस स्टेशन? तुम्हें क्या लगता है मैंने उनसे कुछ नहीं कहा होगा? सब कुछ कहा था, लेकिन उनका एक ही जवाब, कागजी कार्रवाई करनी है, कागजी कार्रवाई करनी है। ये सब बाजी की वजह से, उन्होंने इजाजत दी थी ना उसे जाने के लिए। अंकल एक काम करते हैं, मैं और आप चलते हैं और बात करके आते हैं। नहीं नहीं यार, शाजिया का जाना जरूरी है, सलीम बीमार है, वो जा नहीं सकता, तो किसी का बयान लेना पड़ेगा। ये मसला भी है, तुम कोशिश करो कि शाजिया की इन लोगों से जान छुड़ा दो प्लीज। यही बात तो मैं कब से कह रही हूँ आपसे कि आप जान छुड़ाएं उनसे। अब जाओ जाके शाजिया को तैयार करो, थाने जाना है वरना फिर खड़े हो जाएंगे गेट पे वो आके।
माँ बेटियों के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। हाँ नहीं यार, क्या गलती हो गई इस जगह शादी कर, करनी नहीं चाहिए। मैं ही बाजिद था कि नहीं कर लेते हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ये हैं अच्छे लोग। ले भाई। ला भाई दे। ये ले बेटा, हाथ लगा, सीधा हाथ लगा सीधा। ये खैरात ज़कात की चीजें हैं। गुलशन, जोधा अकबर ने भी जब सलीम जंग पर जा रहा था सदका उतारा था इसी तरह। अम्मा, मैं भी तो तेरा बेटा हूँ, कोई छोटा चूजा वूजा जो है ना मुझ पे वार दे। अबे चूजे ने तेरा नाम सुनते ही फड़क कर जान दे दी। अब्बा सही तो बोल रहा है, इतनी भागदौड़ होता है भाई मेरा। हाँ बड़ी भागदौड़ होता है भाई। कौन समझाए सलीम भाई इनको, बताए कौन समझाए? अरे अल्लाह सलामत रखे मेरे लाल को। ब्रेक अम्मा ब्रेक, मैं भी तो तेरा लाल हूँ, हम दोनों लालू। बहुत छिचोरा हो गया तू। भाई अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, शादोबाद रखे, आपको कभी कोई दुख देखना नसीब ना। आमीन। ये भी बोलिया। अरे तीली, अल्लाह मैं तेरे को हमेशा खुश रखे, ईमान से कभी दुखी ना देखूं तुझे मैं। भाई जीते रहे, सब लोग जीते रहे। भाई को खाने वाले का बंदोबस्त होगा? वो मेरी वाली मासी कवल कहाँ गई? हाशिम ये क्या बदतमीजी है? अम्मी कोई बात नहीं, आप रहने दे, इनसे मैं बाद में आराम से निमट लूं। चलो बेटा खाना लगा। चलो खाना लगा, जाओ तुम भी। अरे क्यों तंग कर रहा है? दे देना। अब्बा ऐसी बीवी होगी तो तंग करना तो जायज है ना। तेरी अम्मा को कभी तंग किया मैंने? पूछ ले कसम। आज तक तंग ही कर रहे हो और क्या कर रहे हो? अब्बा एक बात तो बता, ये आपने अम्मा को कैसे मतलब वो हैंडल किया? ये बड़ा वो ना तेज है, अम्मा बड़े डांटती है, पूरी दास्तान है ये। हेलो, कौन? आप? मैं बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? तुम आए नहीं, मैं वो देखने। मैंने आपको मना किया था कि मत जाएं वहाँ पर। अच्छा खैर सही है, छोड़ो इसको, मेरे को बताओ तुम आ रही हो क्या? कहाँ? मैं वो देखने। मैं कैसे आऊंगी सलीम? सही है, फिर मैं लेने आ रहा हूँ तुमको। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे को मिलना है तुमसे। शाजिया खुला का नोटिस जा चुका है, मैं आपसे नहीं मिल सकती। मैं किसी नोड़ी नोड़ी सो नहीं मानता हूँ, समझी? मैं बोल रहा हूँ अगर तुम आज नहीं आई ना, घर में तुम्हारे साथ दोबारा से बारात लेके आ जाऊंगा। क्या आप क्या बोल रहे हैं सलीम? बोल दिया मैंने, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। मान से आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं? मैं फोन रख रही हूँ, इंतजार करूंगा मैं। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम आशिफ भाई। वालेकुम सलाम। गुलशन कहाँ है? गुलशन आ रही हूँ। सब खैरियत है? अरे कहाँ खैरियत है, क्या हुआ? अरे गुलशन आपा पता चला कुछ? नहीं, क्या हुआ? दिल नवाज ने खुदकुशी कर ली। हाय मेरे अल्लाह, दिल नवाज ने खुदकुशी कर ली? उसकी मौत ही ऐसी लिखी थी, वरना मेरे हाथों मर जाता वो। शुरू ऐसा नहीं कहते, वो भी किसी का बेटा था।